नमस्ते, मैं कांता चौधरी, जीपीसी सीकर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल कहाँ यूज़ होता है? रैंकाइन साइकिल यूज़ होता है स्टीम टरबाइंस में। स्टीम टरबाइंस किस लिए यूज़ होते हैं? स्टीम टरबाइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम टरबाइंस, गैस टरबाइंस, हाइड्रोलिक टरबाइंस, विंड टरबाइंस, सोलर टरबाइंस, जहाँ सोलर टरबाइन सोलर एनर्जी जिनसे प्रोड्यूस की जाती है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जो भी मीडियम हैं उनमें से एक है स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो वहाँ पर स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए या जिस साइकिल पे स्टीम टरबाइन चलता है दैट्स कॉल्ड रैंकाइन साइकिल। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टीम टरबाइन, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। यह एक एक्सटर्नल कम्बशन इंजन होता है। इसका मतलब यह है कि जो उसका बॉयलर पार्ट होता है, जहाँ पर उसे एनर्जी दी जाती है, वो पार्ट टरबाइन से बाहर है। अगर वो जहाँ पे पावर प्रोड्यूस की जा रही है वहीं पर अगर वो पार्ट हो जहाँ पे हीट दी जा रही है, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल इंजन में होता है, तो वो कहलाता है इंटरनल कम्बसन इंजन। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम उसे हीट दे रहे हैं वो पार्ट जो है वो पावर प्रोड्यूस करने वाले पार्ट से बाहर है, इसलिए ये कहलाता है एक्सटर्नल कम्बसन इंजन। इसका जो मेन वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? मेन वर्किंग सब्सटेंस इसके लिए स्टीम होता है, क्योंकि ये पानी पे काम कर रहा है। मतलब पानी जो है वो पानी बॉयलर में पहुंच रहा है उसके पास में, और बॉयलर जो है उसे स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, और वही स्टीम पूरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कन्वर्ट कर रही है एनर्जी इसको वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इसलिए इसका जो टोटल जो सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस है, वो क्या होता है? स्टीम। अब स्टीम टरबाइन या रैंकाइन साइकिल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें चार पार्ट्स होते हैं, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। चार पार्ट्स हो गए, इनके काम क्या क्या होते हैं? बॉयलर जो होता है, बॉयलर क्या करता है कि जो पानी इसमें भेजा जा रहा है, क्योंकि स्टीम किससे प्रोड्यूस होगी? पानी से प्रोड्यूस होगी। तो जो पानी इसमें भेजा जा रहा है बॉयलर में, उसको क्या करता है? ये हीट देता है। ठीक है, हमने अभी कहा कि जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है उससे हीट गिविंग कंपोनेंट जो है वो अलग होता है, इसीलिए ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। तो जो हीट जो है वो दी जाती है बॉयलर में। ठीक है, पानी जो है पंप से बॉयलर में पहुंचा, बॉयलर ने उसे हीट दी, क्यू इन। ठीक है, हीट दी, तब क्या हुआ? ये जो पानी था ये कन्वर्ट हुआ किस में? स्टीम में। ठीक है, कन्वर्ट हुआ स्टीम में। अभी जो वाटर आ रहा था उसका टेम्परेचर हाई था नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होता तो वो ऑलरेडी स्टीम में होता, तो उसका हाई टेम्परेचर नहीं था। उसे टेम्परेचर दिया गया, उसके बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, कहाँ? बॉयलर में। अब ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्यों? क्योंकि हम पंप से लेकर आ रहे हैं। पंप का काम क्या था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पंप का काम उसे हाई प्रेशराइज करना था। तो यहाँ से जो स्टीम है वो टरबाइन में जाती है। टरबाइन का काम होता है उस स्टीम जो उसके अंदर पहुँची है उसको लो प्रेशर पे लेके आना, क्योंकि हाई प्रेशर पे है, प्रेशर डिक्रीज कर देता है उसका। और उस प्रेशर डिक्रीज होने के कारण से क्या होता है कि जो उसकी प्रेशर एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि इस टर्बाइन्स के अंदर ब्लेड्स लगी हुई होती हैं, गाइड ब्लेड्स लगी हुई होती है, रनिंग ब्लेड्स लगी हुई होती हैं रोटर पर। ठीक है, तो ये जो ब्लेड्स लगी हुई होती हैं ये उस स्टीम एनर्जी को या उस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और यही मैकेनिकल एनर्जी आगे काम आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में। यहाँ से जब स्टीम जो है आगे कंडेंसर में जाती है, तो कंडेंसर का काम होता है कि कुछ हिस्सा जो इसका लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है या जो कंडेंस हो चुका है कुछ हिस्सा उसको, तो ये जो स्टीम है उसे टोटल 100% वाटर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि उसके आगे हमारा पंप काम कर रहा है। ठीक है, और पंप जो है वो क्या काम करता है? जो वाटर आ रहा है उसको हाई प्रेशराइज करने का काम करता है। तो जो पंप है वो वाटर और वेपर के मिक्सर पर काम नहीं कर सकता है।
ठीक है, वो टोटल वाटर पे काम कर सकता है। इस कंडीशन में क्या है, उसमें जो पहुंचने वाला हो वो टोटल वाटर होना चाहिए। तो कंडेंसर का काम यही होता है कि जो स्टीम और वाटर का मिक्सचर आ रहा है आगे से, उस मिक्सचर को पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट करे और उसके बाद में उसे पंप में पहुंचाए। अब उसकी किस पॉइंट पर जो स्टीम है उसकी क्या कंडीशन होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, बॉयलर और पंप के बीच का पॉइंट। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, उसकी जो कंडीशन होगी, स्टेट होगी, वो तो क्या होगी, क्योंकि पंप से निकला है, पंप से हमें पता है वाटर कंडीशन होती है, वेपर कंडीशन हो नहीं सकती। तो पंप से जब निकला है तो वाटर कंडीशन में है, लेकिन पंप से निकला है इसलिए हाई प्रेशर पर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लिक्विड या वाटर, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लिक्विड। अब सेकेंड पॉइंट पर उसकी क्या स्टेट होएगी, बॉयलर से निकला है इसलिए वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है वो, ठीक है। हाई प्रेशर पर आ रहा था, हाई प्रेशर उसका ड्रॉप हुआ नहीं है, लेकिन उसमें टेम्परेचर जरूर जुड़ा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, स्टीम में आ चुका है वो, ठीक है। उसके बाद में फिर वो टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन में जब जा रहा है तो टरबाइन क्या कर रहा है, उसका प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ बहुत माइनर कंडीशन में उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर तो टोटली ड्रॉप हो रहा है उसका, लेकिन कुछ कंडीशन में उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। तो पॉइंट 3 पर कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर है उसका, क्योंकि एक्चुअल में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ नहीं है उसका। तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, अभी तक वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है इसलिए स्टीम या वेपर। तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, स्टीम। अब जब कंडेंसर में गया तो कंडेंसर ने उसे क्या किया, कंडेंसर ने उसकी हीट रिजेक्ट कर दी, ठीक है, कंडेंसर ने उसकी हीट रिजेक्ट कर दी। अब जब हीट रिजेक्ट हो गई है उसमें से तो क्या हो गया, टेम्परेचर भी लो हो गया उसका। तो लो प्रेशर तो चल ही रहा था, लो टेम्परेचर भी हो गया, साथ के साथ में उसकी स्टेट बदल गई है, जहाँ वो स्टीम में था अब क्या हुआ, वो वेपर में जो था वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आगे हमें पंप में भेजना है। ये वही पंप होते हैं जो जनरली हमारे घरों में हम मोटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो हमने इन चारों पॉइंट्स पे जो स्टीम है या जो लिक्विड है या जो वेपर है उसकी स्टेट पता कर ली है हमने। अब क्या है, ये इसका टीएस डायग्राम, ठीक है। टीएस डायग्राम में क्या है, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, या हम कहें इसका एचएस डायग्राम, एंथाल्पी एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। इसमें ये जो है ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, सेचुरेशन लाइन है, ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट 1 से 2 हमारी प्रोसेस कौन सी थी, 1 से 2 हमारी प्रोसेस थी बॉयलर की प्रोसेस, ठीक है। 1 से 2 हमारी प्रोसेस कौन सी थी, बॉयलर की प्रोसेस। बॉयलर जो है उसमें हम प्रेशर का कोई काम कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि 1 से 2 एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। टीएस डायग्राम पर यही एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है अप्रॉक्स 50 bar पर। तो यहाँ पर ये एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है जिस पर जो बॉयलर है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, इसे हम हीट दे रहे थे जब हमने शुरू किया था काम, तब ये लिक्विड स्टेज में था, उसके बाद में लिक्विड प्लस वेपर स्टेज, उसके बाद में पूरी तरीके से वेपर स्टेज। 2 से 3 हमारा टरबाइन था, ठीक है। 2 से 3 जब टरबाइन था तो टरबाइन में क्या हो रहा था, प्रेशर ड्रॉप हो रहा था हमारा, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था और कुछ क्वांटिटी में हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। तो जब हम प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी जो ये जो है एंट्रोपी वो कांस्टेंट है। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये प्रोसेस कौन सी हो गई, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। तो इसे हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक प्रेशर ड्रॉप। ये जो 1 से 2 था ये था हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक प्रेशर ड्रॉप, 3 से 4
अब यहाँ पर जब 2 से 3 पॉइंट पर आया तो कुछ पार्ट इसका ये लिक्विड प्लस वेपर के अंदर आ गया, मतलब कुछ पार्ट इसका कंडेंस्ड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जब कंडेंसर लगा है 3 से 4 स्टेज पर जब कंडेंसर लगा है उस वक्त क्या हो रहा है, वो उसे पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। ये रीजन जो है वो लिक्विड प्लस वेपर का है। लेकिन इस लाइन पर जब वो ले आया है 4th पॉइंट पर, इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर उसे हीट रिजेक्ट कर दी है। तो कौन सी प्रोसेस हो गई ये? कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। उसके बाद में 4:1, 4:1 कौन सी प्रोसेस हुई? 4:1 पंप है। ठीक है, पंप वर्क है। हमने जब पंप वर्क दिया उसे 4:1 को जब पंप वर्क दिया, क्योंकि तो पंप अपने आप तो चलता नहीं है, हालांकि हमें यहाँ से वर्क आउटपुट मिल रहा है, टरबाइन आउटपुट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उसको वर्क दे भी रहे हैं पंप को। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक। क्या है आइसेंट्रोपिक? प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर दे रहे हैं हम, साथ के साथ में हम उसे वर्क भी दे रहे हैं। तो हमारी ये कंडीशंस हो गई, स्टेज 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, स्टेज 2 टू 3 आइसेंट्रोपिक प्रेशर ड्रॉप, स्टेज 3 टू 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, स्टेज 4 टू 1 आइसेंट्रोपिक प्रेशर राइज। ठीक है, यही कंडीशन हो रही है। अब इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होगी टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन हीट इनपुट। और जनरली जो जो पंप वर्क होता है वो टरबाइन के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, इसलिए जनरली हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं टरबाइन वर्क के फॉर्म में। तो जो एफिशिएंसी होती है वो टरबाइन वर्क अपॉन क्यू इन। ठीक है, दैट इज आर रैंकाइन साइकिल। थैंक यू।